पाँच बजे आती है। देखिए ट्रेन का टाइम बता रहे हैं, ये देखिए टाइम हो गया। हेलो दोस्तों, देखो भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा से उड़ीसा तक के लिए, इसका टाइमिंग था 1:20 पे। एक्चुअली ऐसा है कि हम घर से निकला, इस बारिश हो रहा था, बारिश होने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मतलब हावड़ा स्टेशन उतरा, उसके बाद फिर मैं स्टेशन दौड़ दौड़ के आया हूँ। तो अभी देख रहे हैं आप टाइम 1:22 हो गया, 2-3 मिनट हम लेट हैं। फाइनली हम गाड़ी पकड़ लिए हैं, जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। ब्लॉग भी आप लोग हम तो उड़ गए गाइस। देखो जैसा कि हम लोग उड़ीसा के मध्य एक कोई स्टेशन है, शायद नाम हमको पता नहीं क्या है, कोई छोटा सा स्टेशन है। एक गाड़ी यहाँ स्टॉप किया हुआ है और ये कंपार्टमेंट पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ है, सब अपने करियर के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। देखिए जैसा कि स्टेशन बहुत सुंदर सा प्यारा सा स्टेशन है, अगर हो गया हम लोग का तो हम भी लोग इधर कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। चलते हैं बोगी में और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट का जो हम तो है तो देखो आ गए हैं उड़ीसा के बीच में, कोई एक स्टॉपेज है जलेश्वर नाम का जगह, भी जो है सिग्नल दे दिया है, जा रहे हैं। उसमें दया बरसात हो, कैसे भी जॉब लगा दो, नल्ली नल्ली साफ करेंगे, ब्लॉग बंद कर देने से ट्रेन छूटेगी। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग कुछ सच बताने वाला हूँ, और सच ये है कि देखिए जैसा कि हम ग्रुप बी की जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, और एक ग्रुप डी का बंदा आपको दिखाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अभी टाइम हो गया 8:21 और हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन पहुंच गए। देख रहे हैं सारे यात्री बोले थे स्टूडेंट सारे सब उतर रहे हैं अपने स्टेशन पे, अपने स्टेशन मतलब वही भुवनेश्वर। अब देख सकते हैं पूरा ट्रेन अब हो गया खाली, और हम नीचे जाते हैं तो आपको पूरा बताते हैं क्या स्थिति है। सो हेलो गाइस, देखिए हम जैसा कि आ गए हैं भुवनेश्वर स्टेशन, आप देख सकते हैं ये बोर्ड भुवनेश्वर।
और हम अभी अभी ट्रेन से उतरे हैं और देखिए पूरा स्टेशन पर स्टूडेंट का भीड़ देख सकते हैं। हमारे बैकग्राउंड में सारे सारे स्टूडेंट ही नज़र आ रहे हैं, बहुत कम है जो ऐसे आदमी हो। जैसा कि देख रहे समय अभी हो रहा है शाम का 8:32 और मैं अभी हूँ भुवनेश्वर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। देख रहे हैं कितना भीड़ है और ये भीड़ ज़्यादातर स्टूडेंट का ही है जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग का सेंटर जो है नहीं भी तो करीब 20 से 22 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, सारे डिटेल आप लोग को देता रहूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी खड़ा हूँ भुवनेश्वर स्टेशन, बैक कैमरा से देख सकते हो, और हम और मेरा दोस्त राजीव अभी जा रहे हैं यहाँ से करीब 20 किलोमीटर अपने इंस्टीट्यूट सेंटर के पास। तो देखते हैं आगे खाना पीना क्या व्यवस्था हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जो होगा नसीब में खाने वही खाएँगे और आप लोग को ब्लॉग दिखाएँगे। तो फाइनली आ गए हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में। देखिए रात भी काफ़ी हो चुका है और फाइनली हम लोग होटल मिल गया। होटल का नाम है कंचन होटल। मिला जुला के हम लोग रूम सही लिए हैं। देखिए हम लोग का रूम है, उतना बेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा है, सही है। नॉन एसी में हम लोग रह रहे हैं, आए हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऑब्वियसली भाई वैसा ज़्यादा फैसिलिटी लेकर कोई फ़ायदा भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए हम लोग को। तो देखिए ज़्यादा रूम का भाड़ा तो नहीं लिया है, लिया 1000 रुपये। मिला जुला के सही है। और ये देखिए मेरा दोस्त, हावड़ा से हम दो जन ही आए हैं। तो हावड़ा से भुवनेश्वर तक का जर्नी कैसा रहा? अच्छा रहा, मिला जुला के ठीक रहा, बहुत मज़ा आया सफ़र सफ़र में काफ़ी मज़ा आया भाई। और भी मज़ा आप लोगों को दिखाएंगे, मज़ा दुख तकलीफ सब कुछ दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहो, भूख लगा है, हम लोग जाएंगे अभी नीचे। हाँ भाई, तो वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप और जाते हैं कुछ खाने की। हेलो दोस्तों, देखो हम लोग खा रहे हैं और खाते खाते आधा रोटी खाएँ और फिर हम ऑर्डर किए फ्राइड राइस के लिए। तो फ्राइड राइस के लिए टाइम बोला था तो प्लेन राइस लेकर आया है। उसके बाद हम बोले कि हमको तो प्लेन राइस का मतलब रात को खाने का राइस कोई भी मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, तो हम रोटी मंगाए तो कहा था रोटी नहीं। और यहाँ देख सकते हैं पूरा पूरा क्लोज हो चुका है, हम भी दोनों जन है बचे हुए। देखिए इधर देख लो, रिव्यू थोड़ा दोगे? हमको खा लिए, ब्लॉग बनाने का चक्कर में रोटी खत्म हो गया, अभी भात खाएगा। ठीक है, खा लेते हैं। सो हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हम लोग होटल से निकल चुके हैं, समय बज रहा है 8:30 और हम लोग अपने इंस्टीट्यूट यानी उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है तो हम लोग मऊ बस पकड़ना पड़ेगा जो कि उड़ीसा का फेमस है मऊ बस। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए और आगे का ब्लॉग आप लोगों को बाद में बताता रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I... Hello, दोस्तों, देखो हम लोग यहाँ के ओडिशा के मऊ बस सरकारी बस है पूरी तरह से और इतना अच्छा सर्विस है यहाँ के तो पूछो मत। देखिए जर्मन टिकट यहाँ पर जैसे एंटर कीजिएगा तो वो स्टार्टिंग में ही टिकट हम लोग को टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद बस में लाइन बाय लाइन इसलिए करना पड़ता है। उसके बाद हर एक स्टॉपेज में किसी में मतलब नहीं, बस माइक में अनाउंसमेंट होते रहता है जो स्टेशन में उतरना चाहिएगा, सॉरी जो स्टॉपेज में आप उतरिएगा। हाँ, और इसमें बीच में सीटी भी झाड़ते हैं जैसा ट्रेन में होता है वैसा इसमें भी, जेंट्स के लिए अलग लेडीज़ के अलग। तो काफ़ी मज़ा आया है, पहली बार ऐसे जर्नी किए हैं। और आप लोग भी कभी आओ उड़ीसा तो इसका बस का फायदा जरूर उठाना और यहाँ पर साधन के लिए जगह जगह पर आप सोचिएगा कि वो मिल जाएगा वो भी नहीं है, और जहाँ तहाँ मतलब स्टॉपेज भी नहीं है, जहाँ पर इसका स्टॉप है वहीं पर ही गाड़ी रुकती है। कभी आइए उड़ीसा विजिट कीजिए और इस चीज़ का मज़ा लीजिए। तभी जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में और वहाँ पर आपका पूरा डिटेल देते हैं। हेलो दोस्तों, तो बस
बस से हम लोग जतनी हाई स्कूल के पास उतर गए। वहाँ से उतरने के बाद आपको 2 किलोमीटर का करीब जर्नी करना पड़े, चाहे तो आप पैदल भी कर सकते हो, लेकिन पैदल मत करना, बहुत गर्मी है। वहाँ से ऑटो मिलता है, ऑटो का फेयर है 20 रुपया, तो आप ऑटो से भी इंस्टीट्यूट तक जा सकते हैं, उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो वहाँ तक जाइएगा। और खाने पीने का व्यवस्था आप लोग खुद अपने साथ लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो वीडियो का और सफर जो है हम आगे बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो देख सकते हो दोस्तों, ये येलो वाला जो है यही है उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के पास पहुँच गए हैं। उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के पास हम पहुंच गए। तो ये मेरा देख सकते हैं पीछे येलो कलर का जो है, यही है उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, सारे एग्जाम एग्जाम देने के लिए आए हैं, सब साइड में बैठे हुए हैं। आइए आप लोग भी और एग्ज़ाम यहाँ पर दीजिए और उड़ीसा का लुक उठाइए और ग्रुप डी में कुछ अच्छा कीजिए। अच्छा क्या करना है, बस जॉब लीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए कि हम लोग पहुँच गए और मेरा दोस्त का एग्ज़ाम है, मेरा तो आज नहीं, मेरा कल है। और मेरा दिया है कौन सा इसमें दिया भाई? गीता। हाँ, मेरा गीता कॉलेज में कोई दिया है, तो मेरे को भी पता भी नहीं कहाँ दिया है, बस एडमिट देखेंगे तो पता चलेगा हमको। तो अभी आए हैं अपने दोस्त के साथ, तो कोई व्यवस्था भी नहीं लेकर, आपको वीडियो में पहले भी बोले हैं पूरा व्यवस्था के साथ आइए, कोई व्यवस्था का यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। तो पूरी व्यवस्था के साथ, जैसे देखो ये भाई व्यवस्था के साथ आए तो अपना बिछाव उछाक सो गए हैं, और हम कोई व्यवस्था नहीं लाया तो हमको कुछ मिल भी नहीं रहा। हाँ, ये देखो दोस्तों, हमको मिल गया झाड़ी, हमको झाड़ी मिल गया। अभी झाड़ी की जो हम इधर बिछाएंगे, तो भाई यहाँ बिछा ले, तो ठीक है भाई, झाड़ी तो हमने यहाँ बिछा लिया। झाड़ी पे जो है अब है जो है, मेरा दोस्त एग्जाम देने जाएगा और हमको जो है ना यही रहना पड़ेगा 2-3 घंटा, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सो हेलो दोस्तों, फाइनली देख सकते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, और आफ्टर एग्ज़ाम आप देख सकते हैं क्या यहाँ का सिचुएशन है। बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहीं भी ग्रुप डी का जितना मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी 50% लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप लोग आइए, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा थोड़ा सा दीजिए, निकल जाएगा। तो क्योंकि बहुत लोग तो बहुत ये पुराना वैकेंसी, बहुत लोग तो पढ़ाई करना छोड़ दिया है, कुछ तो शादी ब्याह कर लिया होगा लोन लेकर, और कुछ तो इतना दूर के मारे वो लोग डर के मारे तो आते मतलब एग्ज़ाम ही छोड़ दिया होगा। तो हमारे कहने का मतलब आप लोग आइए, एग्ज़ाम दीजिए, और ये जॉब का महामारी वाले टाइम में आप लोग जॉब लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ के आइए और जॉब को लीजिए। वहाँ पर हम लोग बस से उतरे थे और ऑटो पकड़े थे, वहीं पर फिर हम लोग ऑटो से आ गए हैं, अब बस पकड़ेंगे मऊ बस। तो यहाँ पर खाने होने की सुविधा एकदम नहीं है, भूख भी बहुत, सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, और देखिए खाने होने का भी इधर दुकान वकान कुछ है नहीं। एक यहाँ बगल में एक दुकान है, उसमें क्या वो तेल भाजा कुछ सामान मिल रहा है, चॉप उप बस वही दिखाते हैं कैसे खाना है। देखो दोस्त, बस यही इतने ही आइटम है खाने होने के लिए, और कुछ इधर में है ही नहीं, बस मात्र एक ही यही दुकान देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को वही मऊ बस मिल गया है और हम लोग बस में बैठे हैं, खाने के लिए कुछ तो खाने वहीं से खरीदे हैं, देखो क्या खा रहे हैं, यही है किस्मत में तो खा रहे हैं। तो भुवनेश्वर स्टेशन से हम लोग का ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हारा वही 30-35 रुपये करीब में है, 35-40, अभी 35 रुपये जाने टाइम 35 रुपये, आने टाइम में 30 रुपया था, तो कुछ ज़्यादा भाड़ा है नहीं।
एकदम फैसले कर ले जा रहा आप लोग ऑटो ऑटो से करो मत पड़िएगा, वो लोग 500 रुपये फेयर मांगते हैं तो कभी मत दीजिएगा। इधर मऊ बस जाइएगा करिएगा और 30 रुपये में आपके काम हो जाए, 30 से 35 रुपया में। तो अच्छा भाई ये थोड़ा बताने चाहो कि आज एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? अच्छा और सिस्टम सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या था सिस्टम? नेट काम नहीं कर रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, चार बार क्लिक करने पे एक बार क्लिक हो रहा था, टाइम ले लिया अभी नमस्कार। अच्छा इसके चलते मैं 4-5 सवाल छूट गया मेरा। बहुत फालतू सुन रहे हैं, इसको केस करके सेंटर को हटा देना चाहिए, यहाँ से सेंटर एग्जाम नहीं होना चाहिए। बहुत फालतू है भाई के कहने का मतलब है, जब उधर में इतना सारा सेंटर है तो कितना दूर देने की जरूरत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नेट इशू, फिर बीच बीच में सर्वर जो है वो प्रॉब्लम करने लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम करने लगा था, इन्वर्टर से चल रहा था, और माउस 2-3-4 बार क्लिक करने पर एक बार सुन रहा था, तो बहुत लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन भी छूट गया। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो थोड़ा सोचना चाहिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। सिटी में इतना सारे सेंटर है, मतलब वहाँ पर देना चाहिए, ये इधर में आउट एरिया में देने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पर मतलब सारे चीज़ का इशू हो। सारे चीज़ का मतलब क्या है, इंटरनेट ही इशू होगा। अब इंटरनेट इशू की वजह से इन लोगों का तो लॉस हुआ ना, खैर कोई नहीं। तो हम तो रिव्यू दे चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बस तब वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और कुछ नया ब्लॉग जो है चैनल पर आता रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।